नमो अर्हंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सहसाहुकम् शुद्धात्मान महिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदे प्रकाष्ठम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमोता याते भये अरहंतादि महान ओम नमः। मूल विषय आत्मा का हित मोक्ष ही है, अर्थात आत्मा की आत्मामय ज्ञानमय आनंदमय अवस्था ही हितरूप है। जो हितरूप है वही हित का कारण होता है। शिव स्वरूप शिवकार मिठासमय मिश्री मिठास का कारण होती है। तो आत्मा हितरूप है, सुखरूप है, इसलिए वो हित का कारण है। जो हितरूप नहीं है वह हित का कारण भी नहीं होता। तो कारण मोक्ष मार्ग और मोक्ष में क्या अंतर आएगा? एक देश और सर्वदेश का, एक देश वितराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग है और वितराग विज्ञानता की पूर्णता मोक्ष। शुद्धता का प्रकट होना संवर है, शुद्धता की वृद्धि निर्जरा है और शुद्धता की पूर्णता मोक्ष। आत्मा का हित मोक्ष है और मोक्ष का कारण है, तो इसमें मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से विचार करना कि जब आत्मा का हित मोक्ष है तो इसका भाव क्या हुआ? आत्मा का हित संसार में नहीं है, फंसने में नहीं है, उलझने में नहीं, पर को अपना मानने पर सुखी होना संभव नहीं है। और पर में मुख्य रूप से देह, पर कहते रहना और देह को पर नहीं समझना, ये बहुत बड़ी भूल है। अपना हित अपने को आत्मा समझने में है, ये परमार्थ हो गया। व्यवहार क्या हुआ? आप अपना हित देवसास गुरु के चरणों में है, देवसास गुरु की भक्ति में है, जिनवाणी के स्वाध्याय में है, तत्वों के विचार में है, धंधे व्यापार में परिज्ञ में लोक व्यवहार में अपना हित संभव नहीं है। कोने का उदय हुआ, धन वैभव बढ़ जाएगा, परिवार बढ़ जाएगा, हित क्या होगा ये तो बता। आत्मा का हित अपने को आत्मा समझने में है, पर को अपना मानने में अपना हित नहीं है। दूसरे का हित कल्पना ही मत करो, दूसरे का हित भी इसी में है। कितना सुंदर उपदेश है सुखी होने के लिए, अध्यात्म का सुंदर उपदेश बोलना, हे जगत के जीवो, कोई अपने को पर्याय दृष्टि से नाना रूप स्वांगों रूप मत देखो, भ्रम से अपने को सिद्ध समान मत देखो,
भ्रम से नहीं जो तत्व निर्णय पूर्वक अंतर्मुख होकर अपने को आनंदमय देखो, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो, अर्थात अंतर्मुखी उपयोग से अपने को अशरीरी देह से न्यारा देखो, कर्मों से न्यारा देखो, रागादिक से न्यारा देखो, पूर्ण देखो, ज्ञानमय आनंदमय प्रभुतामय देखो। देखने की जैसी दृष्टि वैसी ये दीवार। जब तक अपने को शरीर रूप देखता रहेगा कोट जन्म तब तक है, करोड़ों जन्म तक तप करने वाला जीव भी सुखी नहीं होगा। अब जो बताओ मूल की भूल तो यहाँ है, हम दर्शन करने लगे, हम पूजा करने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे, हमने जे छोड़ दिया, हम जे करने लगे, करना और छोड़ना, करना और छोड़ना, बैरात्मा का करना छोड़ना भी बाहर में ही है। न समझने की गुंजाइश है और न छोड़ने की गुंजाइश है। सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता छोड़ने योग्य है। पहले में पहले सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता छोड़ने योग्य है। सच्ची समझ पूर्वक विपरीत मान्यता जब छूटती है तब विपरीत विचार जिनको अध्यवसान कह देते वे भी स्वयं ही छूटने लगते, कर्तव्य बुद्धि छूटने लगती है, अपने आप स्वयं ही आत्मा तो हित भाई खाता ना, साबुन पानी कपड़े को साफ थोड़ी करता है, मैल को अलग किया, स्वच्छ था सो स्वच्छ रह गया। पूजा पढ़ती हो कितनी सुंदर लाइन है बोलो, बस क्या था दस्ता बन जाऊं तो नहीं लिखा है, बन जाऊं तो नहीं लिखा, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मतलब ज्ञाता दृष्टा तो अभी भी है लेकिन ज्ञाता दृष्टा मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ज्ञान में आते ही उस पदार्थ में अपनत्व करता है, कर्तत्व करता है, सुख बुद्धि करता है, अनिष्ट की कल्पना करता है, ज्ञातत्व के साथ कर्तत्व लगा हुआ है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। जाना क्या क्या छोड़ता है और छोड़ने लायक छोड़ता नहीं, जिद छोड़ेगा नहीं, जिद नहीं छोड़ेगा। जैसे लौकिक दृष्टांत है वो दहेज नहीं छोड़ेगा, रिश्ता छोड़ देगा, संबंध छोड़ देगा, दहेज नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही देव सास गुरु की भक्ति छोड़ देगा, क्या करे, कोई आता ही नहीं, किसी के लिए भक्ति होती है, कोई आता नहीं, मतलब तुम नेता बन जाओ और माइक तुम्हें पकड़ा दे, 10 जने 20 जने 50 जने बैठ जाए तब तुम भक्ति करोगे, तो भक्ति होगी कि भक्ति का प्रदर्शन होगा, क्या करे, कोई आता ही नहीं, स्वाध्याय कोई आता ही नहीं, किसी और के लिए है ये सब काम। बहुत से जीव सुने तो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, अपने को बड़ा मान लेता है, कोई नहीं सुने नहीं माने तो खेद खिन्न होता है, ये तो सम्यक ज्ञान के होने में बाधक है ये प्रवृत्ति। जिन शास्त्रों का और जिन शास्त्रों में भी बढ़िया सुंदर वाक्य का विशेषण बोलना भेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास होने पर, पढ़ने सुनने पर, विचारने पर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता, सम्यक ज्ञान के अंतः स्वरूप में क्या लिखा है बता,
जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप में क्या लिखा है, दोनों प्रसंगों में लिखा है। वेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ने सुनने पर भी, चर्चा करने पर भी, चिंतन किए बिना, निर्णय किए बिना, जिद छोड़े बिना वो लगता ही नहीं, लगता ही नहीं है ये छोड़ने लायक जिद। बस वो जहां की तहां है, पंडित बनारसी दास जी ने हरियल की लकड़ी जैसी लिखी है, जैसे वो तोता वो ऐसे लकड़ी को पकड़ लेता है और जिम्मा कैसा लगाए, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। जब तोता नलनी को छोड़ दे तो मरेगा नहीं, उड़ जाएगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो जरूर मर जाएगा। लेकिन बस यही जिद, फिर हमें को पूछे, फिर हम क्या करेंगे, तुमको एक घंटा और स्वाद कर ले, तुमको हम रस छोड़ दें, तुमको हम मन से भोजन करने लगे, तुम कहो तो हम काहे को कहें, तुम्हें अपना हित नहीं दिखता, इनमें तुम्हारी कसाएं घटेंगी अगर तत्व ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक करोगे तो। हम कहें तो क्या होगा, हम नहीं होंगे तो, तुम कहो तो हम चले जाए, हम काहे को कहें, तुम कहो तो हम कहूं नहीं जाए, तुम कहो तो हम बंद कर दें, प्रवचन बंद कर दें, हम कहें तो। अरे रे प्रभु, हमारे करने से कहने से क्या क्या करेगा ये तो बता, हम ये कह रहे हैं जिद छोड़ दे। बंदर की उलझन इतनी तो है वो मूठी नहीं छोड़ता, तोते की उलझन इतनी तो है वो लकड़ी स्वयं पकड़े और छोड़ता नहीं है। हमारी भी दशा उससे कम बदतर नहीं है, सब करेंगे लेकिन देह को अपना मानना नहीं छोड़ेंगे। दान पुण्य कर दें बता तुम, भैया अपना है तो अपने को आत्मा समझने में है, ये परमार्थ हो गया तो व्यवहार क्या होगा। जो अपने को आत्मा दर्शाते हैं ऐसे जिन वचनों को ही सुनना, जिन बिंब के दर्शन, जिन गुरुओं की संगति, और उसके लिए समय निकालना, उसके लिए विषयों की निवृत्ति चाहिए। व्यापार बढ़ाओगे तो ये घटेगा, संतोष चाहिए और कम आमदनी में गुजर करना चाहिए, आता हो तब तब बैठ पाओ। समझ चाहिए, इसमें हमारा हित है। तो परमार्थ क्या हो गया, आत्मा का हित, आत्मा समझने में है। व्यवहार क्या हो गया, आत्मा का हित देव सास गुरु की चरणों में है। आत्मा का हित है, जीवाणु के अभ्यास में है, तत्वों का निर्णय करो। सलाह ले तो अलौकिक जीवन से का कहे, मनसे हमने सलाह ली थी, जिनने कही यार कछ नहीं, तुम तो एम ए कर लो, PhD कर लो, फलाना कर लो, जी कर लो, नौकरी लग लो, कछ नहीं है, कोई नहीं पूछे तो फिर कछ नहीं हो, कौन से पूछी ये बता। कलव हित तुमने चने बहुत से उठकते हैं, एका चने निकल करके बाहर आ पाता है, नहीं तो उसी के उसी में भूनते हैं। बहुत से जीवों में आत्मकल्याण की भावना जगती है लेकिन विपरीत का, जैसे पौधा पानी नहीं मिला तो मुरझा जाएगा विपरीत वातावरण में, ऐसे विपरीत वातावरण में ये वैराग का भाव, निवृत्ति का भाव, आत्मकल्याण का भाव धीरे 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 मंद होता चला जाता है और अंत में फिर वही ठीक है, एडजस्टमेंट कहाजस्टमेंट सोचो। प्रद्युम्न कुमार की स्त्री ने वैसे ही थोड़ी कह दिया था, तुम्हें वैराग हुआ तो इनका आगे आए,
बैराग हुआ तो गुरु के पास जाओ ना, मजाक करते हो। जिसको बैराग हुआ क्या मैंने बर्ती लेनी है तो क्या करें, क्या दिल्ली चलो बम्बई चलो, और भावना तो बहुत है क्या करें, क्या करें, वो पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, फलाना परेशान है, जी परेशान है, और शरीर क्या करें बता। निवृत्ति तो बहुत भावना होती, बहुत भावना, झूठी भावना, झूठी करनी आते झूठे सुखिया, झूठी भगत ये दर है, झूठे प्रभु को दा। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, अपना हित। अब थोड़ा और जोड़ दो इसमें विशेषण, परिसे सहन करते हुए भी सत्समागम में रहने में है, सुविधाओं सुविधा भोगी होकर के लौकिक जीवों के साथ में रहने में अपना हित नहीं है। सुखार्थी तेजित विद्या, विद्यार्थी तेजे सुखम। इंद्रिय सुख की वासना वाले जीव को या तुम्हें मन प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, नाना प्रकार के भोग संयोग नहीं मिलेंगे हैं, तो अपना हित कर सको। विचार करो, विचार करो। सवेरे कही थी, कल कही थी, मुन्ना जंगल में रहती, हम गांव तक में नहीं रहना चाहते, यहाँ कहा है। जब तुम ये कह रहे हो यहाँ कहा है तो जंगल में कहा होगी कि क्या करोगे, मुन्ना निर्वस्त्र रहते हैं, हम सादा वस्त्र भी नहीं पहनना चाह रहे। मुन्ना अंजलि में आहार करेंगे एक टाइम, एक टाइम, और हम दिन दिन में भी नहीं बचना निबटना चाह रहे, रातों में चाहिए कभी न कभी, क्या करें। अरे फिर वही बात, क्या करें। अरे उन मुन्नाजों का स्मरण करो, उनको नहीं आदर्श बनाओ, अपने हित पर दृष्टि रखो, अपने को हित करना है। पशुओं की तरह 24 घंटे चरने में अपना हित नहीं है, अनाहारी युक्ताहारी होने में अपना हित है। एक एक प्रसंग में लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ेंगे हो गया। देखो योग का इलाज वैद्य के अनुसार होता है, अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होता, लौकिक जीवों के अनुसार नहीं होता। वो लौकिक जीव तो कछु खाए हुए जाए जल्दी से, तो वो कछु नहीं खाए, कछु नहीं। अरे भाई हम कह रहे हैं फिर क्या बात है, कमजोरी नहीं आई है। मैंने रोग को और अपने को एक माने बैठा है, रोग कमजोर होगा तो ये लगता है मैं कमजोर हो जाऊंगा। मोर मोक्ष यही तो विपरीत है, घोर उपसर्ग परिचय सहन करते हुए भी आत्मध्यान कर रहे। विचार करो हम कितने परिचय सहन करने को तैयार है, बोलो, हित करना है बिल्कुल भी। जो हमें इच्छा है वही खाने को मिलना चाहिए, जो इच्छा है वही पहनना चाहिए, वो इच्छा है, इच्छा के अनुसार प्रणमन करने के लिए बताओ, आत्मा का हित इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने में है। परलक्षी वृत्ति यही तो अंतराय करने वाली है,
परलक्षी वृत्ति। कई लोग ठंड में कपड़े कह भाई कपड़ा अब को निकाल है, वो निकाल नहीं रहे, आलस्य बताओ, आलस्य रखा पानी नहीं पीने देता, कोई आया तो पानी दे दिया तब पिया, कहे पानी नहीं, अब बता को लाओ ही नहीं, कोई मैं तुम नहीं थे, तुम नहीं ला सकते, नहीं कोई लाए थे, हाथ में दे गए मुंह में दे गए फिर निकल उठे, कैसे अपना हित करेगा। कितना खुशी होता है अपना काम कोई दूसरा कर देगा, कभी दूसरे का काम अपन करने में लोग व्यवहार में बताओ हम पूछते लगता है, मैंने मना कर दी, तुमने कछ करी मने, तुम मना कर दी जान तुम्हारी मौन नहीं होगा भैया, आत्मा का हित बातें मनाने में नहीं है, आत्मा का हित तत्व की चर्चा करने में, तत्व का चिंतन करने में, अपना दोष स्वीकार करने में, प्रतिक्रमण करने में, प्रायश्चित करने में, आलोचना करने में, प्रत्याख्यान करने में अपना हित है। अरे बोहार भी तो कुछ घटाओगे कि नहीं, चुप्पी साथ बैसे अपना हित होगा, बस हो गो फिर क्या करें क्या करें क्या करें, अरे करने लायक यही काम है, दूसरा काम करने लायक नहीं। मोह कर्म के बिना, मोह कर्म और मोह भाव, वो भाव कर्म भी है, अब मोह के बिना कोई अहित का कारण नहीं है, मोह के बिना कोई दूसरा अहित का कारण है ही नहीं, दुख का कारण है ही नहीं। लोग में भी जिसका जिसकी जरूरत होती है ना, वो चीज नहीं मिला तो हैरान होते, मैंने कहा खो गई पेंसिल हमारी कहाँ गई, अब पढ़ना चश्मा हमारा कहाँ गया, भाई टॉर्च कहाँ गई, मैंने उस तत्का तत् संबंधी वो वस्तु है वही खो गई तो परेशान होते ही नहीं, बोलो यारा फीका शक्कर को मन हुआ, इन शक्कर कहाँ गई मिले ही नहीं दिया, इन तो रखो तो डिब्बा, ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही आत्मा कहाँ गया, यही दुख का कारण है बस और कुछ, मैं भूल स्वयं के वैभव को, अपने शुद्ध भूल आप दुख उठायो, कोई ने दुखी नहीं किया, कोई ने दुखी नहीं किया, इसका अर्थ क्या लेना, कोई सुखी नहीं करेगा, पराए भरोसे मत रहना, बचने में अपना हित है, विषय कषायों से बचने में, विषय कषायों से बचने में, आलस्य प्रमाद से बचने में अपना हित है, वाणी का स्वाध्याय करो, तत्वों का विचार करो, बेर में विचार करो, और जिसकी जिधर तुम्हारी परिणति आती है उसको विचार करो, जैसे बेर में कोई आकर के खड़ा, हाँ तुम्हें बोलो, तुम पहले बोलो, चलो छोड़ो दिन के बाद भी देखेंगे, तुम्हें पहले बोलो क्या कह रहे, ऐसे इन विकल्पों को हाँ उसी को तुम्हें बताए बता क्या कह रहे, उसी का स्वरूप भवतन भोग स्वरूप विचार है परम धर्म अनुरागी, भवतन भोग स्वरूप विचार है परम धर्म अनुरागी, बेर बे शरीर में उपयोग किया तो तुम शरीर की स्वरूप तुम्हें बैठ लो, बोलो कहा है जा? तो शरीर का ही स्वरूप विचार कर ले, भोगों में स्वरूप जाता बेस ख्याति लाभ है, ख्याति लाभ का ही स्वरूप विचार कर ले, खाने पीने में आ जाता तो खाने पीने का ही विचार कर लो, भवतन भोग स्वरूप विचारो परम धर्म अनुरागी, परम धर्म अनुरागी समझ गए क्या, बोलो बढ़िया अर्थ बोलना, धर्म को अथवा परम धर्म को इष्ट जान करके चाहने वाला जीव उस परम धर्म की प्राप्ति में बाधक जान करके संसार से भोगों का स्वरूप विचार कर, पहले तुम ही विचार लो,
परम धर्म अनुरागी समझ गए क्या? परम धर्म को वितराग भाव को परम धर्म लिखा है, प्रभुसंसार जी परम धर्म शब्द लिखा है। परम धर्म को अनुरागी मैंने इष्ट जानकर उसे चाहने वाला जीव काय के लिए उसमें बाधा जान करके तुम्हें उन्हें बदले पहले ये रोज रोज परेशान करते पहले यहीं पत्थर हटा ही दे तो ठोकर लगी आज। आज इसको खोद करके अलग ही करो हटा। ये बेर बेर कांटे लगते हैं झरते हैं ये जड़े खत्म करो। ये इस भक्त को मूल एक ज्ञानो मिथ्या भा जय खोज तो रेलवे लोभ में आ जाते हैं। लोभ का स्वरूप विचार कर ले, मतलब ये है अपना हित तो है शत्रु के सामने हाथ जोड़कर गिर जाने में है, शत्रु से डरकर भाग जाने में है, शत्रु का साहस पूर्वक सामना करो आ जाओ निपट ही लो तुम कैसे निपट रहे बोलो अब कैसे इन कर्मों से निपट लो। और फिर तुम्हारे पास तो एक अभेद किला है तुम्हें बताई थी वो सर पर नेवला वाली नेवले का बच्चा छोटा और सर पर आ गया बड़ा बेचारा बड़ा सर वो आ गया नेवले ने दिमाग लगाया भगा भग करके कहाँ पहुंचा नागदमी के पास पहुंच गया वो आया अब उसने सर्प पे वार किया और सर्प के वार को नागदमी से बचा लिया। कर्मों के प्रहार को तत्व विचार से बचाओ और अपने वैराग्य भाव का प्रहार कर्मों पे करो। तत्व विचार कर्मों के प्रहार को तो तत्व विचार से बचा और कर्मों के ऊपर वैराग का प्रहार करो। अब कहाँ बचेंगे बोलो। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करना सीखो भाई। ये तो एक बहुत दृष्टांत है समझने के। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर का बोलो बोलो। इंद्रिय ज्ञान के सामने अतिंद्रिय ज्ञान को रखो, इंद्रिय सुख के सामने अतिंद्रिय सुख को रखो, एक छोटे से परिवार के सामने बड़े परिवार को रखो। सिद्धों का परिवार सिद्धों का कुल देखो। इस शरीर के सामने उस ज्ञान शरीर को रखो, छायोपशम ज्ञान के सामने छायक ज्ञान को रखो, छायक ज्ञान के सामने पारिणामिक ज्ञान को रखो। छोटे के सामने बड़े को कर दो। इस वैभव के सामने उस वैभव को रखो। का वैभव चक्रवर्तियों और इंद्रों के वैभव देखो और वैभव काय के लिए कैसे छोड़े गए। अब क्या करें साहब कैसे छोड़ दें, कोई संभाल ले तो छोड़ दे। सुख है सुकौशल के यहाँ कौन संभालने वाला था। कोई नहीं संभालने वाला होगा तो अभी तो ये छोड़ना पड़ेगा। इसी पड़ेगा शब्द में लिखा है भजन में, काया का घर खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तुम्हारी ये तो नहीं चलेगी, निकलना ही पड़ेगा। कर्तृत्व के अहंकार के नशे में पड़ा है पूछा क्या करें क्या करें। अरे पहले ये बता कर क्या सकता है। निश्चय से व्यवहार से हम जी नहीं करे, व्यवहार में निश्चय लगा दे तो उड़ा दे तुम्हारी बात ऐसे नहीं है। कर क्या सकते जो बताओ। गम सकम जो कर सकते हो सो करो, उसके बाद बात करो। ऐसी बातें बिल्कुल गलत है, एकदम अपने को धोखा देना है, अपने माँ पाप बनने का कारण है। खाली धोली थाली रख दे और काला
खाली थाली रख दो और कहा लाए बताओ। अरे रोटी दाल साग सब्जी रख दे फिर पूछो और का और कुछ ला तो बात बने और कहा रखा है का करे हम करते क्या हो तो करने लायक कुछ भी तो नहीं करते। न जिनवाणी का अभ्यास करते हो न तत्वों का विचार करते हो स्वाध्याय के नाम पर क्या करते हो बस खाली पढ़ लेने का पढ़ता है तो पढ़ लेता है सुनता है तो सुना लेता है कुछ नहीं कितनी अपना मन मिल जाते हैं बैठे बैठ के घंटा ना आधे घंटा चर्चा कर ली ले वो को मन मिल जाए मत मिल जाए ये मैंने 24 घंटे देखो करता क्या है ये तो बता कसाय की आग में जल रहा है कसाय की आग में हाँ विषय चार दावा नल दहो मरत विदाप करत दुख सहो आत्मा का हित मोक्ष में है। विचार करो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए मोक्ष मार्ग में लगने के लिए ये प्रक्रिया अपनाओ भैया। जब मोह दुख का कारण है तो मोह ही सुख का कारण कैसे हो सकते ये प्रवचन सार जी की शैली है। मोह दुख का कारण है तो मोह ही सुख के कारण कैसे हो सकते हैं निमित्त भी कैसे होंगे तुमसे क्या अपेक्षा उनसे क्या अपेक्षा रखते हो बता उनसे क्या अपेक्षा रखोगे एक शब्द बोला था सर क्या बोले पर से निरपेक्ष निरपेक्ष स्वरूप में संतुष्ट और पर से निरपेक्ष द्वेष रूप उदासीनता नहीं राग तो है ही नहीं लेकिन द्वेष रूप उदासीनता नहीं पर से निरपेक्ष परम निष्प्रही अपने में तृप्त ये परमेश्वरी वृत्ति है परमेश्वरी वृत्ति माने ऐसी वृत्ति वाला जीव अल्पकाल में परमेश्वर बनेगा अथवा तो ऐसी वृत्ति वाला जीव परमेश्वर जैसे आनंद को वही देखता है परमेश्वर जैसे आनंद जो अपने को सिद्ध समान अंतर्मुख होकर के समझता है वह सिद्ध समान आनंद का वेदन नहीं करेगा उसे दुखी कौन करेगा। अब तुम कौन चक्कर हम परे का करें हम कितनी बार कह दिया भैया पूरी ताकत इस मिथ्यास के ऊपर प्रहार करने में लगाओ इस इंद्रिय ज्ञान की महिमा नहीं आना चाहिए इंद्रिय सुखी लालसा नहीं रहना चाहिए तब बन पाएगी बात। इंद्रिय सुख की वासना इंद्रिय ज्ञान की हाँ लोग ये भटकाते हैं भटकाते हैं इसलिए प्रवचन सार जी में कहा अभव्य इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है अतीन्द्रिय सुख सुख है ऐसा नहीं मानता अभव्य है अभव्य माने अभव्य बात वो नहीं कर पाएगा नहीं समझ पाएगा। ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है वो नहीं पा सके हम तो पा दिए ये ज्ञान गुण से रहित ज्ञान गुण से मतलब बोलो सम्यक ज्ञान से रहित पद नहीं है पा सके हाँ क्या बता रहे थे बोलो हाँ बोलो यही तो कह रहे थे और क्या कह रहे थे जिन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी सुखी नहीं होता ज्ञानी नहीं होता और वेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करते हुए जब तक ये जीव अंतर्मुख नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता ये कह रहे थे। अंतर्मुख के बिना
अपने को आत्मा समझे बिना ज्ञान नहीं होता। पहले हम मूर्ख, पहले बड़ी अच्छी तरह बोलते लोग, पहले तो हम कुछ नहीं समझते थे, अब कुछ समझने लगे, अब समझदार हो गए। लगता ही नहीं है अभी भी ये समझ जो हमारी है ऐसी समझ के से दूर। ये जो ज्ञानियों ने लिखा है ऐसी समझ के से दूर, वैसे ही थोड़ी लिख दिया, अब समझने लगे, इसलिए हम दूर दूर रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले पढ़ लेंगे, अकेले कर लेंगे, इधर उधर पढ़ाएंगे, सीख आएंगे, घूम आएंगे, देख आएंगे, जा में से पढ़नी है, बामे से पढ़नी है, यहाँ नहीं देखे। अरे प्रभु, जो ज्ञान संसार में भटकाता है, हैं, उस ज्ञान को ज्ञान माने तो बताओ क्या करे। ये लिखा मुख्यान प्रकाश भेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्र है, लेकिन किसके लिए है भेद ज्ञान कारण भूत? ये भेद ज्ञान करे तब तो, भेद ज्ञान नहीं करे तो क्या कारण भूत है? स्वच्छता का कारण बन जाएगा फिर, लेकिन भेद ज्ञान के कारण भूत अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी ये जीव सम्यक ज्ञानी नहीं होता, जीव अजीव का सिद्धांत नहीं होता। कब तक? जब तक अपना अंश पर में न मिला है, वो पर में मिला है और पर का अंश अपने में मिला है, मिला करके देखने की, मिला करके खाने की जब तक वृत्ति है, तब तक ये जीव ज्ञानी नहीं होता। मिलावट अपराध है, मिलावट अपराध है, अयोग्य मिलावट, अनुचित मिलावट। बाजमा की तो मिला नहीं पड़े भाई, खिचड़ी बनाइए, अब मिला नहीं बनेगा, बताओ बताओ। बच्चे को दूध में पानी मिला करके दे रही कर दी देगी, क्या करे बताओ, कैसे पचेगा उसको दूध? गाय का दूध नहीं आया है, भैंस का दूध है तो ठीक है, पानी मिला दिए, मिक्सी पर डाल दे तब उबाल दे, तो मुनक्का डाल दो, मतलब कुछ न कुछ करके मिला करके करना पड़ेगा। ये मिलाने का नाम ही तो, ये वैद्य लोग मिलाते हैं कि नहीं? ये अपराध नहीं है, अभिप्राय खोटा नहीं है, ऐसे ही यहाँ व्यवहार नए के कथन है, इनका निषेध मत समझ लेना। व्यवहार वृत्ति का भूमिका के अनुसार व्यवहार का निषेध करने जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। हाँ, व्यवहार का परमार्थ से निषेध कर, परमार्थ में चढ़ गया तो आ छूट गया। अभी तो इस एक एक पंक्ति का खूब विचार करो, आत्मा का हेतु मोक्ष है, आत्मा का हेतु मोक्ष ही है, आत्मा का हेतु मोक्ष है, माने जिसमें हमने समझा उसमें हेतु नहीं है कि परिग्रह जुटाने में, परिग्रह बढ़ाने में, संसार में फंसने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, ब्याह शादी करने में, बाल बच्चों करने में, समाज में घूमने में, ठेकेदारी करने में, अपना हित तो नहीं होगा भैया, अपना हित। देखो तुम्हें जो हो विकल्प, उस विकल्प को यहाँ निषेध हो, सीधी बात यह है। दूसरों की ओर हित, अपना हित अपने देखने में है, दूसरे को ये देखने में, इधर देख, स्त्री की ओर देखने में हित नहीं है, पैसा की ओर देखने में हित नहीं है, मैंने अस्थी में से नास्ती करो, नास्ती उसकी करो जिसकी तुम्हें जरूरत है ना, वो बीमारी है जहाँ तुम्हारा उपयोग भटकता है। भाजपा की एक अस्थी में अनंत नास्ती है, सही बात विचारना। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन, वाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी मस्तके नमो सदा।